ये स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग, फिजिक्स में खगोलीय दूरदर्शक के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि दूरदर्शक के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे कि हम लोग ऐसा दूरदर्शक का प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग दूर की वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि उसको दूरबीन भी बोला जाता है। ठीक है, दूरबीन यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए। अभी हम लोग इसके पिछले क्लास में ही हम लोग खगोलीय दूरदर्शक को पढ़ रहे थे। खगोलीय दूरदर्शक का इस्तेमाल कौन करता है? तो जो खगोल शास्त्र होते हैं। अब खगोल शास्त्र किसको कहते हैं? जो ग्रह के बारे में सोचते हैं, ग्रह के बारे में खोज करते हैं। आखिर देखिए, अभी हम लोग चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर क्या क्या है, वहां वातावरण है कि नहीं, वहां हम लोग जी सकते हैं कि नहीं, वहां क्या है, वहां का मिट्टी कैसा है, या फिर वहां मिट्टी है भी कि नहीं है, वहां जल है कि नहीं है, तो इस तरह का जो खोज करते हैं ना वैज्ञानिक, उनको खगोल शास्त्र कहते हैं। अंतरिक्ष के बारे में सोचना, तारे कैसे, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का कब तक लाइफ है, सूर्य कहाँ स्थिर है, सूर्य तो बहुत तरह का बात है, खगोल शास्त्र उन्हीं को कहते हैं, ताकि खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया खगोलीय दूरदर्शक। खगोलीय दूरदर्शक का मतलब है ये दूरबीनों से हार्ड है, यानी कि उससे ज्यादा अत्यधिक दूरी तक देखा जा सकता है खगोलीय दूरदर्शक का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये अधिक दूरी दूरी तक के हम लोग किसी भी पिंड को, वस्तु को, ग्रह को देखना है तो हम लोग खगोलीय दूरदर्शक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक में भी कुछ पॉइंट्स पढ़ा था और इसमें भी दो केस था, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस को समझते हैं, केस वन। केस वन क्या है, लिखा जाए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन। सामान्य संयोजन के लिए याद रखिए, दो केस था यहाँ पे हम लोग जिसको बोल रहे थे कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक का नाम है सामान्य संयोजन और एक दूसरा का नाम है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी तक के लिए खगोलीय दूरदर्शन का समायोजन। तो पहला नाम है सामान्य समायोजन, किसके लिए? तो खगोलीय दूरदर्शन के लिए। तो सबसे पहले इसमें ना हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट एरो देकर केस वन में लिखा जाए, दूरदर्शक का सामान्य समायोजन में, दूरदर्शक के सामान्य समायोजन में अनंत पर स्थित वस्तु का अंतिम आवर्धन, अंतिम आवर्धन अंतिम आवर्धन प्रतिबिंब भी अंतिम आवर्धन प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनता है, कोमा इसे अनंत के लिए फोकसित करना भी कहा जाता है, अनंत के लिए फोकसित करना भी कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ये भी सीखे थे कि खगोलीय दूरदर्शन में दो लेंस का व्यवहार करते हैं। अब देखिए किसको किसको, एक नेत्र के पास जिस लेंस को रखते हैं उसको हम लोग नेत्रक लेंस कहते हैं, और जिधर वस्तु रखा जाता है वस्तु के ओर वाले को लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो चलिए फिगर बना लेते हैं तब क्लियर हो जाता है। तो ये हम लोगों को एक बड़ा उत्तल लेंस है, दोनों उत्तल लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। और ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है और एक छोटा सा उत्तल लेंस है, यानी कि एक छोटा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, एक बड़ा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। देखिए इसको ओ से सूचित कर रहे हैं, ओ का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस। याद कीजिए हम लोग कल पढ़े थे कि खगोलीय दूरदर्शक में दो तरह का लेंस यूज किया जाता है, हालांकि दोनों ही उत्तल होते हैं,
एक का नाम है अभिदृश्यक, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इसीलिए ओ से सूचित करते हैं, और इस बड़े वाले लेंस को ई से सूचित करते हैं। ई का मतलब होता है नेत्रक लेंस, नेत्रक को बोलते हैं आईपीस, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं नेत्रक लेंस, ठीक है, और इसको इंग्लिश में आईपीस लेंस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, और हम लोग आंख की तरफ यानी कि जिधर से हम लोग देखेंगे वो होता है नेत्रक, और जहां पे कोई वस्तु रहेगा वो हो गया अभिदृश्यक। तो कुल मिलाकर इसमें जो खगोलीय दूरदर्शक जो होता है वो किस तरीके से होता है उसका हम लोग फिगर बनाने वाले हैं। जिसे मान लिया कि इसमें फोकस जो होगा वो दोनों के लिए होगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई फोकस बिंदु एफ है और यहाँ पे किसी वस्तु को ना हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लिया कि किसी वस्तु को देखना होगा तो कहीं ना कहीं किरणें यहाँ से आ रही होगी, अब हम अनंत पर के वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ से आएगी, और जब यहाँ से टकराने के बाद, जैसे मान लिया जाए कि लेंस है तो यहाँ से टकराने के बाद फिर कहीं ना कहीं नीचे मुड़ेगी, और नीचे मुड़ेगी कुछ इस तरीके से तो इस छोर तक जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस से अगर कोई रेखा गुजरेगी किस एंगल से, तो अल्फा। अल्फा के बारे में हम लोग सीखे हैं कि वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन को, और बीटा को कहते हैं प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन को। तो यहां से जैसे ही ये पास करेगा तो ये कुल मिलाकर ऐसे पास करता है, ठीक है, अल्फा, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को हम लोग कहते हैं फोकस, यानी कि इसको थोड़ा सा और आगे बनाना पड़ेगा, ये हुआ हम लोगों को फोकस, और इसी पॉइंट को नाम रख दिया गया पिक, यानी कि ये आया सीधा तो सीधा मुड़ गया, और ये आया तो इस दूसरे वाले लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस पे टकराया, और चूंकि हम लोग आईपीस से अगर इसको देखना चाहें तो यहां से ये कितना एंगल बना रहा है, तो यही ना हम लोगों का प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण होता है उसको तो हम लोग बीटा से सूचित करते हैं, तो ये हम लोगों को बीटा हो गया, यानी कि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण हो गया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका नाम रख दिया गया पी क्यू, और ये तो फोकस ना है, फोकस इसका नाम है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो है पी क्यू। अब बात किया जाए तो ये तो हम लोगों का आ रहा है, और मतलब रेखाएं आ रही है जो पर जिसको हम देखना चाह रहे हैं। अब इसका हम लोग आंख पर कैसे प्रभावित होगा, तो ये हुआ हम लोगों को आई नेत्र पर, यानी कि यही हम लोगों को आंख पर पड़ा, ये हम लोग देख पा रहे होंगे, ये आंख पर इस तरह से पड़ा, और जब इसको देख पा रहे हैं हम लोग चूंकि ये आंख पर पड़ रहा है, और जब हम इसको पीछे देख पा रहे होंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाता है, यानी कि अनंत तक की दूरी को देख सकते हैं क्योंकि ये कभी कट नहीं करता है। तो इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का एक आकृति, एक फिगर। अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी, इसको बोलते हैं एफ ओ, यानी कि अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी हो गया एफ नोट, और ये हो गया ये हो गया इसका आई पीस का यानी कि नेत्रक का फोकस दूरी, और इसको एफ ओ कहते हैं, एफ ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी, जिसको एफ ओ से सूचित करते हैं। और कुल मिलाकर सामान्य संयोजन के लिए जो नली की लंबाई होना चाहिए यानी कि यहां से लेकर यहां तक के, चूंकि नली यानी कि जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसमें टोटल कितना लंबाई होना चाहिए, तो उसको एल से कहते हैं। तो याद रखिएगा खगोलीय दूरदर्शक का जो लंबाई है उसको हम लोग कहते हैं, दोनों को ऐड करते हैं यानी कि एफ ओ और प्लस एफ ई को अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई। एल मतलब क्या हुआ, खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई।
उसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसका नली की लंबाई कितना होता है, तो एफ ओ माने अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी और नेत्रक लेंस के फोकस दूरी दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो एल का मान निकलता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का केस नंबर वन। चलिए केस नंबर टू देखते हैं कि आखिर सामान्य दृष्टि के निकट के लिए समायोजन कैसे होता है। तो केस टू में लिखा जाए, केस टू में उसके लिए क्या क्या होता है, बस हम लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर क्या होता है केस टू में, जिसका नाम है सामान्य दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। तो लिखा जाए केस टू, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी का समायोजन, न्यूनतम दूरी का समायोजन, इसमें एरो देकर लिखेंगे, फर्स्ट एरो लिखा जाए, यदि अंतिम प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखना हो तो, यदि अंतिम प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखना हो तो नेत्रिका को प्रतिबिंब की ओर इतना खिसका दिया जाता है कि नेत्रिका की फोकस दूरी और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, चलिए अब हम लोग यहाँ पे केस टू में क्या समझें, ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर हम नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि इसका फिगर कहीं ना कहीं सेम बनने वाला है। तो आप समझिए कि अभी जो हम लोग लिखे बात वो क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अभिनेत्रक लेंस था, नेत्रक लेंस था, यहाँ अभिदृश्यक लेंस था और दोनों के बीच में ऐसे करके यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा था और ये जो प्रतिबिंब था ना, अब देखिए एक्चुअली सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी में क्या होता है कि जो वस्तु को आप अंतिम प्रतिबिंब पर देख रहे हैं उसको आप सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यानी उसको दूर न देखकर आप कितना पर उसको लाइए 25 सेंटीमीटर पर लाइए, उसीलिए इसका नाम है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें क्या होता है हम लोगों को कि जैसे अभी हम लोग फर्स्ट केस में अंतिम पर देख रहे थे, है ना, अपने आंख से उसका प्रतिबिंब अंतिम पर देख रहे थे, अब उसको अंतिम पर नहीं देखना है, अभी उसको लाना है कहाँ, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर लाना है जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे आप, तो नेत्रक लेंस जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी पढ़ लेना है कि खगोलीय दूरदर्शक में लेंस को जहां मन करे उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसीलिए लिखा गया। इस बार हम लोग यहाँ नेत्रक लेंस से देख रहे थे, अब हमको पता चला कि उसको 25 सेंटीमीटर पर देखना है, तो नेत्र को खिसका करके और यहाँ फिट कर देंगे, जहां पहले प्रतिबिंब बन रहा था पी क्यू वहां पे हम अब ये लेंस को यहाँ पे कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना इसके एरिया में बनने लगेगा, जैसे यहां से यहां तक की दूरी था एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी था, अब जैसे ही इसको आगे एडजस्ट कर देंगे आगे खिसका देंगे तो इसका प्रतिबिंब आगे बनने लगेगा, सिवाय हम बोलने लगेंगे कि जो फोकस दूरी जो प्रतिबिंब है वो अब हम लोगों को कहां बनने लगा, आंख के
न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनने लगा। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ नया नहीं है दोस्त, इसमें एक चीज जानना है कि केस वन में सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है और जबकि सामान्य दृष्टि में समायोजन जो होता है इसमें उसी प्रतिबिंब को नजदीक लाने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए आपको नेत्रक लेंस को खिसकाना पड़ेगा। कहाँ खिसका कर रखना पड़ेगा, जहां की पहले प्रतिबिंब बन रहा था उस वहीं पे नेत्रक लेंस को खिसकाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें कुछ नहीं समझ रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो केस वन केस टू पढ़ रहे थे बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। हाँ ये आ सकता है कि खगोलीय दूरदर्शक का बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको आरेख खींचिए, तो जो केस वन वाला बताया ना आरेख खगोलीय दूरदर्शक का, तो उसको खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से खगोलीय दूरदर्शक हम लोगों का खत्म हो गया और फिर उसके आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो परावर्तक दूरदर्शक है। परावर्तक दूरदर्शक का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा दूरी पर कोई अगर वस्तु है तो उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित होकर हम उसको देखते हैं, उसका नाम ही है परावर्तक दूरदर्शक। तो दोस्त अगले जो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे वो है परावर्तक दूरदर्शक, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।